हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास सिक्स की बुक अ पैक्ट विद द सन के फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, अगर आप उस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो दो बेबी बर्ड्स थे वो अलग अलग कैसे हो गए थे। ड्यूरिंग अ टेरिबल थंडर स्टॉर्म द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत वो आया था, तूफान आया था, बहुत भयानक तूफान आया था, जिसमें दोनों बेबी बर्ड्स को एक आंधी उड़ाकर ले गई थी। बोथ फेल एट द डिफरेंट प्लेसेज एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड। दोनों ही अलग अलग प्लेसेज पे गिरे थे जिसके कारण वो अलग अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। दोनों को मतलब घर कैसे मिला। वन ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बेबी बर्ड तो वहाँ गिरा जहाँ पर एक रॉबर्स रहते थे ना, चोर रहते थे, एक गुफा के अंदर वहाँ गिरा था। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे। और एक बर्ड जो है ऋषि के आश्रम के पास गिरा था, जो कि कुछ ही दूरी पे था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो फर्स्ट बर्ड था उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग। यहाँ पर स्ट्रेंजर किसे कहा गया, अजनबी किसे कहा गया है, किंग को कहा गया, राजा को कहा गया। जब फर्स्ट बर्ड ने राजा को देखा था, स्ट्रेंजर को देखा था, ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द किंग्स ज्वेल्स एंड हर एंड हिज हॉर्स। उसने कहा आओ आओ जल्दी आओ और फटाफट राजा के हीरे जवाहरात या ज्वेलरी जो भी है वो लूट लो और इसका घोड़ा भी लूट लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो सेकंड बर्ड था उसने क्या कहा था राजा से। द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग वेलकम टू द आश्रम सर। सेकंड बर्ड ने कहा राजा से, आपका स्वागत है आश्रम में, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि आते ही होंगे, जल्दी ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अंदर घड़े में ठंडा पानी है, आप उसे पीजिए और राहत महसूस कीजिए, अपना कम्फर्टेबल रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया, दोनों बर्ड्स का बिहेव अलग अलग था, ठीक है ना। एक तो कह रहा था लूटो फटाफट जल्दी से और एक ने कहा आराम करो, तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग क्यों था, वो कैसे एक्सप्लेन किया। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड हैड ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ द रॉबर्स। ऋषि कहते हैं जो फर्स्ट बर्ड है वो हमेशा रॉबर्स की ही बातें सुनता था, मतलब जो रॉबर्स उसके पास रहते थे तो रॉबर्स की ही बातें सुनता था, चोरों की ही बातें सुनता था। सो इट इमिटेटेड दैम एंड टॉक्ड, और वो उनकी सुन के उसी को रिपीट करता था। टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, लोगों को चोरी डकैती की बातें ही उसके वो रिपीट करता था। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट इट हैड ऑलवेज हियर्ड इन द आश्रम, और सेकेंड बर्ड वही रिपीट करता था जो वो आश्रम में सुनता था। सो इट वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम, तो वो इसलिए वो लोगों को आश्रम में वेलकम करता था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। मतलब ये जो स्टोरी है इसमें बेसिकली किस क्या मॉरल है कि अ बर्ड इन अ हैंड्स वर्थ टू इन बुश, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ये स्टोरी का मॉरल क्या है, अब वन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब जैसी संगत में रहते हैं उस किसी भी इंसान की पहचान करनी हो तो वो उसके कंपनी से, मतलब उसके दोस्तों से या उसके साथियों से जिसके साथ वो रहता है उससे की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।